ब्रेक के बाद स्वागत है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को भारतीय ऋण बाजार में निवेश का बंपर लाभ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि साल की शुरुआत में ही भारतीय ऋण बाजार में जमकर निवेश किया गया। महीने के पहले 12 दिनों में ही सरकारी प्रतिभूतियों में 7,912 करोड़ का निवेश हो चुका है। विशेषज्ञों ने कहा कि भारतीय ऋण बाजार जो कभी निवेश में कभी पीछे का खिलाड़ी हुआ करता था, अब सुर्खियों में है और लगातार तरक्की दर्ज कर रहा है। गत वर्ष के दिसंबर महीने में एफपीआई ऋण प्रवाह रिकॉर्ड 18,302 करोड़ था और इस वर्ष के शुरुआती आंकड़ों को देखा जाए तो भी निवेश के में बढ़त होने की उम्मीद है। दुनिया भर की कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर जरूरतों के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करने और अपनी सप्लाई चेन को बढ़ाने की कोशिश में हैं। ऐसे में भारत अपनी बड़ी आबादी और रणनीति के साथ इसका फायदा उठा सकता है। एक दैनिक समाचार पत्र द्वारा देश के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी कि सीईओस के बीच करवाए गए एक सर्वे के मुताबिक इसमें शामिल करीब 53% सीईओ का मानना है कि देश जल्द ही मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर चीन का विकल्प बन जाएगा। सर्वे में शामिल 24.5% सीईओ का मानना है कि भारत चीन का विकल्प बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जबकि करीब 21% सीईओ का ये मानना है कि भारत अभी ये जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने एक लेख में लिखा था कि पश्चिमी देश अपने सप्लाई चेन के लिए भारत की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। सरकार को विदेशी कंपनियों को भारत में निर्माण इकाइयां लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के अपने प्रयासों को दोगुना करना चाहिए। भारत में एक बड़ा घरेलू बाजार, आर्थिक स्थिरता और नीतिगत स्थिरता, इसका इस्तेमाल हमें दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब चुनने के लिए करना चाहिए। इस सर्वेक्षण में शामिल 35.8% सीईओ के मुताबिक देश के टैक्स ढांचे में सुधार की गुंजाइश है। इन सीईओ का मानना है कि भारत की टैक्स दरें कुछ हद तक आकर्षक और मध्यम स्तर की प्रतिस्पर्धी हैं, जबकि 34% सीईओ का मानना है कि भारत का टैक्स ढांचा देश में बड़ा निवेश लाने के लिए ठीक है। आरबीआई मौद्रिक नीति समिति के सदस्य जयंत आर वर्मा ने एक समाचार एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ वर्षों में सभी भू राजनीतिक झटकों को झेला है और ये आगे आने वाली अनिश्चितताओं से निपटने में भी सक्षम होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें 2024 में अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जहां मुद्रास्फीति कम होगी और विकास मजबूत रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चीन में जारी मंदी के कारण ऊर्जा और अन्य वस्तुओं की मांग में तेजी से कमी आई है और इससे आपूर्ति की प्रतिकूल प्रभावों में भी सुधार हुआ है। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 7.3% बढ़ने का अनुमान है, जो 2022 और 23 में 7.2% से अधिक है। आईएमएफ के विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार वैश्विक वृद्धि 2022 में 3.5% से घटकर 2023 में 3% और 2024 में 2.9% होने का अनुमान है।